नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज हमारे साथ है सौरभ आनंद जी। ये सिलेक्ट हुए हैं बीईओ 2019 की जो वैकेंसी आई थी उनमें सिलेक्टेड है। ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र रहे हैं, आज हमारे साथ हैं। बिल्कुल ये देसी इंटरव्यू रहेगा, पीसीएस ऑफिसर की ही टाइप की पोस्ट है, पीसी उसी के इक्विवेलेंट है। अभी इनको जॉब करते हुए 2 साल हो गया है, तो सारी चीजें बात करेंगे, क्या एक्सपीरियंस है, कैसे तैयारी की, कैसे कैसे इस फील्ड में है और जॉब के क्या क्या एक्सपीरियंस रहे, क्योंकि अभी 2 साल ऑलरेडी जॉब कर चुके हैं। सबसे पहले स्वागत कर लिया जाए। सौरभ आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आने के लिए। ये हमारी तरफ से कुछ तोहफे हैं, सबको दिखाना पड़ता है कि बाकी लोग भी भाई आते रहे मिठाइयां हैं, और इस बार हमने एक नया इंट्रोड्यूस किया है, टी शर्ट तो रूडी, तो काफी सारी गुडीज हो गई। चलो प्रमोशन वोशन हो गया, आप चालू कर लेते हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका, कहाँ के हैं, बेसिक एजुकेशन कहाँ से हुई, कैसे ये पीसीएस वाली पोस्ट में आने का सोचा, वो कैमरा में देख रहे। मेरा नाम सौरभ आनंद है और मैं मूलतया हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, और पीसीएस से 2019 में मैं खंड शिक्षा अधिकारी के पद में कानपुर नगर में पोस्टिंग हूँ और मेरा लगभग 2 साल होने को आया है। मैं क्या कहते हैं कि मेरी जो शिक्षा है वो एक कानपुर में ही हुई है। मैं यहाँ पर वुडमैन गार्डियन में पढ़ा लिखा था और मैं पीजी एमएससी करने के बाद सिविल सर्विसेज के आगे पढ़ाई के लिए एक कुछ समय के लिए दिल्ली गया, लेकिन वहाँ से वापस कोविड का समय आ गया। जब कोविड का समय आ गया तो फिर कई बार क्या होता है कि आपको ऑफलाइन कोचिंग बंद होती हैं और मटेरियल नहीं उपलब्ध होते हैं, तो मैं फिर ऑनलाइन कई बार सर्च वर्च मार के, तो मैं इसमें यूट्यूब में एक कोचिंग मेरे जहन में आई, जब मैंने देखा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज उस पर क्या कहते हैं कि मुझे बहुत कंसाइज मटेरियल मिले, तो मैंने बीओ की पोस्ट अक्सर कोई मटेरियल सर उपलब्ध नहीं है कहीं पर जल्दी। हाँ हाँ। तो और कई 2019 में एक्चुअली जब बीओ की वैकेंसी आई थी तो हम ही लोगों ने सबसे पहले किया था, इसके पहले सब लोगों ने देख देख के हमारा कॉपी, इसके पहले 2008 में एक बार भर्ती हुई थी, तो टाइम और भर्ती की प्रक्रिया बहुत सारी परिवर्तन आ चुका था। अब 2008 में ऑनलाइन का जमाना भी इतना आगे नहीं था, तो फिर कोई चीजें थी नहीं, तो सबसे बेस्ट ये था कि कैसे आप सबसे बेस्ट मटेरियल निकाल पाओ और कौन आपको गुमराह ना करे। तो जब फिर क्योंकि मैं फ्री सर के कोर्सेज बहुत सारे होते थे, तो ये रहता था कि पहले फ्री कोर्सेज में आप समझते हो कि ये कोचिंग सही है कि नहीं सही है, तो जब मैंने सर के फ्री कोर्स, हाँ मतलब क्या होता है सर, पहले लोग पेड हो जाते हैं तो फिर उनको वो फाउंडेशन हो जाती है, अब यहीं से पढ़ना है। हमारा एक्चुअली ये भी है कि जो पेड में पीडीएफ मिलती है उसी पे हम फ्री वीडियो देते हैं, तो आप लोग मतलब फ्री में एक्चुअली कई सारे लोग फ्री में भी तैयारी करके सिलेक्ट भी होते हैं बाकायदा। मैं एग्जांपल हूँ लगभग तो बीओ का प्री आपने उसे निकाला, तो बीओ का प्री मैंने सर की मतलब वो जो करंट अफेयर की जो वीडियोस रहती थी, पापा वीडियो सर की बहुत फेमस है, उस पे बड़ा बवाल भी हो चुका है, कई सारे लोग बहुत क्रिटिसाइज तो खैर पापा वीडियो के बारे में कमेंट दीजिए कि अच्छा है बुरा है क्या है। लेंथी है, लेकिन 10 जगह किताबें छाटने से अच्छा है कि आप 10 किताबों देखो, आप एक वीडियो उठा लीजिए उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको जगह जगह अलग अलग किताबें उठाने की जरूरत नहीं है। चलो भाई, शुरुआत हो गई प्रमोशन के साथ, बिल्कुल कंफर्टेबली करेंगे। आप ये बताइए कि ये पहला अटेम्प्ट था आपका कि इससे पहले भी तैयारी करी है? ये मेरा मेजर अटेम्प्ट पहला ही था, इसके पहले मैंने एक बार दिया था, लेकिन मैंने मतलब ऐसा नहीं होता कि आप अब सिविल सर्विस की तरफ जाना चाहते हो, हाँ बस तो भर दिया, हाँ तो मैंने देखते हैं कैसा होता, तो एक बार मैंने सिर्फ इसी मतलब मेंटेलिटी से दिया था कि देखते हैं कैसा होता, उसका मेरा दूसरा अटेम्प्ट था जो प्रॉपर एक प्रिपरेशन के साथ। लेकिन पहला अटेम्प्ट बीओ का तो होगा नहीं, मतलब ऐसे ही कोई पीसीएस वाला, पीसीएस वाला मैंने भरा था। अच्छा अच्छा, और तो उसके आप ये बताइए कि जैसे जब आप ग्रेजुएट हुए एमएससी एमएससी आपने किया, हाँ, है उसके बाद कितने दिनों तक मतलब ये फेज रहा लगभग बेरोजगारी वाला? सर देखिए क्या कहते हैं कि जैसे मैंने पहले जब ग्रेजुएशन खत्म की उसके बाद मैं एमएससी करने यूनिवर्सिटी गया, वहां से मैंने एमएससी कंप्लीट की, तब तक मेरे पास ऐसा कोई मेरी मेंटेलिटी ये नहीं थी कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना, क्योंकि एक ड्रीम होता है ना सिविल सर्विसेज की, अरे बड़ी जॉब होती है, घर वालों को भी कई बार ये लगता है कि सपने कुछ ज्यादा बड़े तो नहीं उन्होंने पा लिए, जो अचीव नहीं कर पाएंगे, लेकिन कभी कभी खुद पे इतना भरोसा होना चाहिए कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं आपको इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जैसे आपको पता था कि कर लेंगे। हाँ, आप कई बार डिमोटिवेट होंगे सर, क्योंकि आपके जो साथ के फ्रेंड्स होते हैं वो आगे बढ़े रहे होते हैं, वो भले कुछ भी जॉब करें लेकिन उनके पास एक अर्निंग होती है, आपके पास एक अर्निंग नहीं होती है, तो ये देख के फिर वो अपना कहीं फेसबुक पोस्ट डालेंगे कहीं कुछ डालेंगे, तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सर स्किप कर दिए थे, 2 साल मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रहा ही नहीं, एकदम छोड़ दिया, एक वनवास होता है, मैं प्रॉपर वनवास में था, मेरे दोस्त लोग ऐसे चले जाते थे पार्टी वगैरह करें, करनी चाहिए लेकिन एक नहीं संडे, लेकिन आप सोचो उसको वो बना लीजिए कि नहीं हम खाली 2-3 दिन में, क्योंकि आप उस दिन पढ़ाई स्किप करोगे, लेकिन किसी कारण से अगर आपकी उस दिन पढ़ाई स्किप होती है तो अगले दिन उसके 1-2 घंटा बढ़ाइए। अच्छा चलिए और बातें करते हैं शिक्षा व्यवस्था के बारे में, एक खंड शिक्षा अधिकारी के तौर पर आप क्या बदलाव लाना चाहते हैं? खंड शिक्षा अधिकारी के तौर पर ऑलरेडी इतनी स्कीम्स गवर्नमेंट की चल रही हैं, अगर उनको ही हम ऑन द ग्राउंड अच्छे से
उसको इम्प्लीमेंट करें तो शायद मुझे लगता है कोई नए इनोवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन गैप जरूर होते हैं, इनोवेशन तो हमेशा चाहिए ही चाहिए। आपके पास अगर कुछ नया ऐसा आइडिया है जो गवर्नमेंट के पास भी नहीं है या गवर्नमेंट आप अप्रोच करते हो तो वो अगर गवर्नमेंट लगे सही है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। जैसे आउट ऑफ स्कूल बच्चों का एक सर्वे होता है कि कितने बच्चे आसपास के एरिया में क्षेत्र में ऐसे हैं जो बच्चे पढ़ाई से या तो भटक गए हैं या पहले इनरोल थे अब उन्होंने छोड़ दिया है, तो हम ऐसे बच्चों को मार्क करते हैं और उनको स्कूल में दोबारा दाखिला कराते हैं। और आरटी स्कीम हो गई, आउट ऑफ स्कूल बच्चे हो गए, और क्या कहते हैं जैसे कि गरीब बच्चे होते हैं उनको उनके लिए गवर्नमेंट कपड़े डीबीटी के जरिए डायरेक्ट उनके खातों में पैसे भेजे जाते हैं, जूता मोजा ड्रेस सब कुछ। तो ऑलरेडी इतने इनोवेशन है, दीक्षा प्लेटफॉर्म एक ऐप है जिसमें टीचर्स की ट्रेनिंग होती है कि उनको कैसे पढ़ाना चाहिए बच्चों को, हम लोगों के यूट्यूब सेशंस होते हैं। तो मतलब गवर्नमेंट इतने नए नए इनोवेशन कर रही है कि वो ही सफिशियंट है हमारी एजुकेशन व्यवस्था को सुधारने के लिए। और मतलब गवर्नमेंट स्कीम बहुत चला रही है, बस अधिकारी लोगों को इम्प्लीमेंट कर दे तो सब बढ़िया। फीडबैक हमसे भी लिया जाता है और आम जनता से भी लिया जाता है कि अगर उनके पास कोई नए ऐसे इनोवेशन है जो इम्प्लीमेंट किए जा सके तो हम लोग आगे देते रहना चाहिए। अच्छा, बीओ की जैसे अब देखिए कई लोग बीओ की तैयारी जरूर कर रहे हैं, 2023 में भी वैकेंसी आने वाली है, अध्याचन आ चुके हैं एक्चुअली आयोग के पास, नोटिफिकेशन नहीं निकला है, जल्द निकलेगा। खैर बीओ के देखिए जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो तो अभी वो वाली चीज देख रहे हैं, बस एक वो वाली की दूर के ढोल सुहरने वाली। ये खुद सरकारी जॉब में है 2 साल से, आप ये बताइए कि सुबह क्या ऑफिस आप नहीं जाते हो कभी? अरे नहीं, मैं देखिए सबके एक अलग अलग मेंटेलिटी होती है, कुछ शायद नहीं जाते होंगे, लेकिन मैं इस बात से फेमस था कि मैं सबसे ज्यादा समय ऑफिस में जरूर देता हूँ, लेकिन एटलीस्ट उतना तो समय देता हूँ जितना देना चाहिए। 10 से 5 एक ऑफिस होता है। अच्छा, लेकिन रियली मानिए इतना वर्क होता है गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास अपने डिपार्टमेंट के अलावा अन्य डिपार्टमेंट की, जैसे कि मैं इलेक्शन में AERO बनता हूँ, उसके अलावा मैं सेक्टर मजिस्ट्रेट बनता हूँ, और जब इलेक्शन टाइम आता है तो AERO होता है वो भी बना। तो मतलब बीओ के साथ साथ उसके साथ साथ और भी कई सारी अन्य दायित्व होते हैं, जैसे कुछ जांचें होती हैं, मान लीजिए कन्या सुमंगला समृद्धि योजना, इनमें आपको सत्यापन करना पड़ेगा जिन्होंने अप्लाई किया है उनके घर में जाके कि वो वहां पे वो लोग मौजूद है कि नहीं है, कि ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो गवर्नमेंट को फॉल्स डॉक्यूमेंट या किसी वजह से उनका बेनिफिट ले ले, जो गरीब बच्चे का हक मानने वाली बात होगी। तो वहां पे हमको एक जांच अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया जाता है। तो 10 से 5 के बीच में समय खत्म हो ऐसा हो ही नहीं सकता, एक्स्ट्रा वर्क ऑफिस 5 बजे के बाद भी चलता है, एकदम ऑफिस 5 बजे के बाद भी चलता है, कई बार तो 8-9 भी बज जाता है, और कई सारी फिर मीटिंग होती है। अक्सर मीटिंग्स के लिए ये कहा जाता है कि मीटिंग ऑफिस आवर के बाद हो, तो 8 बजे डीएम साहब की मीटिंग होती है, कभी 7 बजे होती है, जब स्टार्ट अगर इस टाइम होती है तो आप सोच सकते हैं कि एंड कब होती होगी। तो मतलब ये जो भावना है ना, जिसे पहले लोग समझते थे कि बस सरकारी जॉब लग जाए बस, तो चलो जॉब सिक्योरिटी रहेगी, पैसा तो मिलेगा, डीए ये सब मिलेगा, ग्रोथ तो सब मिलेगा, लेकिन काम भी करना पड़ेगा भैया जी बहनी जी, ये मत समझिएगा कि सिर्फ जो सरकारी नौकरी मिल गई बस घर ही से बैठ के सब हो रहा है, ऐसा नहीं है। नहीं, जाना पड़ेगा फील्ड में जाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सबका एक सुपरवाइजर होता है सर। मैं नहीं जा रहा हूँ, मे बी SDM सर, मे बी BSA मेरे ऑफिस आ गए और मैं अनअवेलेबल हूँ, तो मैं फिर क्या जवाब दूंगा, ये भी है। और ऑफिस में जाने के अलावा जैसे कि फील्ड वर्क है, बीओ की एक पोस्ट होती है वो फील्ड वर्क की होती है, फील्ड वर्क आप करके आओगे तो आपको वापस ऑफिस में आके ये देखना कि आपके स्टाफ को जो आपने काम दिया वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, ये एक बड़ा जो है बड़ा परसेप्शन है लोगों का टीचरों के बारे में, जो प्राइमरी टीचर होते हैं ज्यादातर, कि शिक्षा विभाग के एक तबके को हमेशा कहा जाता है कि उनके पास ज्यादा काम नहीं है, ज्यादातर ये प्राइमरी टीचर के लिए होता है कि लोग कुछ नहीं करते, फ्री की सैलरी लेते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा, प्लीज मुझ पर कोई कमेंटबाजी मत करिएगा, ऐसा कई लोग कई मीडिया सोशल मीडिया में जगह जगह ये आपने देखा होगा, कई सारे मीडिया वाले पहुंच जाते हैं प्राइमरी स्कूल टीचर के पास, इनको दिल में भारत की राजधानी नहीं पता, इनको ये नहीं पता, क्या कहना है बच्चों को नहीं पता है। देखिए ऐसा नहीं है, परिपेश इतना बदल रहा है, माहौल इतना बदल चुका है, इतना प्रेशर, इतनी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की जिनको लागू करना है, और सबसे ग्राउंड रियलिटी यह है कि सबसे निचले स्तर पे टीचर होता है। अगर कोई भी स्कीम का पालन होना है और या उसको बच्चे को उसकी सुविधा मिलनी है, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो टीचर्स के जरिए होगा, मैं तो सिर्फ वॉच करूंगा लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो टीचर्स करेगा। जैसे बच्चों को जो टीचर्स के पास काम होता है ऑनलाइन काम होते क्यों नहीं है? नहीं करते हैं। नहीं करेंगे तो देखिए क्या होगा, तो वो चीज दिखेगी ना कि काम नहीं हो रहा है एकदम। ऑनलाइन इतना काम है, उनको लेक्चर्स अटेंड करने हैं जो उनको ट्रेनिंग के लिए गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, दीक्षा ऐप वगैरह है, बच्चों को खाते जो मर्ज हुए हैं बैंक, उनको बैंक भी जाना पड़ता है कि इस बच्चे के खाते में पैसा क्यों नहीं आ रहा है, उनको हमारे पास भी आना पड़ता है कि सर ये एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा है, बच्चे का नाम नहीं शो हो रहा है, पढ़ाई के अलावा ये सारी चीजें हैं। तो मतलब उस समय उनको पढ़ाना है, उसके बाद उनको ये काम भी करने हैं, और खाना खिलाने वाली बात है, कोई बच्चा बीमार तो नहीं पड़ रहा है। सरकारी स्कूलों में जो एक स्टूडेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं, क्या उनका अनुपात सही है कि मतलब स्टूडेंट के हिसाब से जो एक स्टैंडर्ड होता है उसके हिसाब से है सारी चीजें? नहीं, जैसे देखिए क्या होता है कि टीचर और स्टूडेंट का जो रेशियो होना चाहिए गवर्नमेंट स्कूल में होना चाहिए 30:1, 30 बच्चे में एक टीचर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि
अगर रेशियो गवर्नमेंट ने पूरा कर लिया, लोग रिटायर हो गए या नए लोग नहीं भर्ती हुए, टाइम से भर्ती हुई, तो वहाँ पे अनुपात बिगड़ जाता है। कई बार कहता है कुछ स्कूल ऐसे होते हैं स्पेशल जहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे मेरे कुछ दो तीन स्कूल हैं जो मेरे क्षेत्र में पढ़ते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल होते हुए भी वहाँ पे 1000 से ज्यादा बच्चे नामांकित हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े स्कूलों में से एक है वो परिषदी, और वहाँ पे स्टूडेंट टीचर का जो रेशियो बहुत ही ज्यादा मतलब खराब है, जो जिसपे इसके लिए आप कुछ एक्शन ले रहे हैं? इसके लिए मैंने कई बार अपने उच्च अधिकारियों का अवगत भी कराया है ताकि वो इस पे वहाँ पे टीचर अवेलेबल करा सकें, लेकिन उन्होंने भी अपने शासन स्तर पर इसको संज्ञान में लाने के लिए लिखा पढ़ी की है ताकि वहाँ पे टीचर जैसे भर्ती होती है वहाँ पे टीचर एक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जा सके। अच्छा, बीओ के बारे में, ये पहला सिलेक्शन है किसी गवर्नमेंट जॉब में कि इससे पहले भी? ये मेरा पहला सिलेक्शन है, इसके पहले मैंने मतलब सीरियसली कोई तैयारी नहीं किया था, उसमें गया था वो भी, और मैंने टेट सीटेट वगैरह क्वालिफाइड करके रखा हुआ था, लेकिन कोई टीचिंग की कोई ऐसी वैकेंसी नहीं आई थी इस पे मैं मतलब कि वो हो पाता है। तो मतलब कुल मिला के ये बस दूसरी बार एक अटेम्प्ट किया और अच्छा मिल गया एकदम। तब से आप दो साल, कितना, दो ढाई साल हो गया आपका? मतलब मैं अभी दो साल भी नहीं हुआ है, 18 महीने हुए। अच्छा, 18 महीने हुए हैं। एक एनईपी और पुरानी जो शिक्षा नीति में जो बदलाव हुए उनको आप किस तौर पे देखते हैं? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई है सर, वो बहुत ज्यादा नीड में थी कि हर चीज समय के साथ सर बदलती रहनी चाहिए। चीजें पुरानी हो जाती हैं, ऑब्सोलीट हो जाती हैं। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, मतलब अगर आप चेंज नहीं करोगे तो फिर वो आप नए जमाने के साथ कदमताल नहीं बना पाओगे। हमारी जो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी थी वो 1986 की थी। लेकिन पॉलिसी चेंज करने से क्या जो एक्चुअली में काम करना चाहिए, जो एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, जो हमेशा से भारत में सारी गवर्नमेंट स्कीम का एक ही असर है कि बढ़िया सब कुछ है, सब ऊपर से मंत्री जी आते हैं, जो हमारे सबके बारे में बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, जितने भी हमारे माननीय जी लोग हैं, वो लोग अपना स्कीम तो लॉन्च कर देते हैं लेकिन उसका जब इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो रहा है, तो चाहे आप एक पॉलिसी लाओ चाहे दूसरी लाओ, ये थोड़ा सा ड्रॉबैक तो रहता है सर कि कई बार कहता है पॉलिसीज तो बहुत अच्छी बनती हैं, चाहे वो जनधन योजना जैसे खाते हों या न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, स्कीम्स बहुत अच्छी बनती है, अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड में अच्छा होता है तो उसके सर रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जैसे सर पहले कहता अगर मैंने ग्रेजुएशन या बीटेक में मैंने एनरोल किया है तो पुरानी में मुझे पूरा पढ़ना पड़ेगा, मैं बीच में ड्रॉप आउट हो जाऊंगा तो मैं फिर मुझे दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। इसमें क्या, अगर आप छोड़ दिए आप दोबारा एनरोल कर सकते हो और उसके आगे आप पढ़ाई करोगे। मैंने मान लिया सेकंड ईयर में छोड़ा, मैं दोबारा फिर दो साल बाद आगे फिर सेकंड ईयर से स्टार्ट कर सकता हूँ। कुछ इसमें स्टेप बहुत अच्छे हैं सर। अच्छा, एक बात बताइए, आप टीचर्स को जैसे कई बार आप जो है बाकायदा स्कूलों में जाके पूरा जब ऑडिट ऑडिट करते रहते हैं, तो कई बार कुछ ऐसी भी चीजें होंगी कि कई सारे टीचर्स उसी जगह पे रह जाते होंगे बहुत दिनों से, आप बिल्कुल नए नए ऑफिसर गए, तो कुछ लोग ऐसा नहीं कहते हैं कि बड़ा अधिकारी के लिए झाड़ रहा है, नया नया लड़का है, या फिर बहुत टसल हो जाती होगी, कुछ टीचर्स एकदम से विरोध में आ जाए। अब आप लोग बीओ जो हो वो कितने, 500,000 होंगे? 1000 सर। हाँ, 1000 मान लीजिए पूरे यूपी में, और टीचर्स तो लाखों में है, 5.5 लाख, तो वो एक तरह से वोट बैंक भी है बहुत ज्यादा। तो मतलब ये कैसे, इसको मैनेज कैसे करते हो? कभी वैसा भी कोई स्थिति आई कि बिल्कुल एकदम ही हाथापाई होने को आ गई? ऐसा अभी मेरे साथ ऐसा कोई स्थिति नहीं है कि हाथापाई, सुना है क्योंकि कई बार ऐसा सर क्या कहते हैं कि होता यह है कि दो कैडर होते हैं, एक होता है विलेज कैडर, एक होता है सिटी कैडर। तो जब टीचर्स के ट्रांसफर अगर सिटी कैडर में हो जाते हैं तो वो सिटी कैडर में ही रहेंगे थ्रू आउट, मतलब जब तक कैडर गवर्नमेंट चेंज ना करे या जो भी है। तो जब कोई व्यक्ति एक ही जगह रहता है तो उनके थोड़े से मतलब अप्रोच अच्छे हो जाते हैं, लिंक्स अच्छे हो जाते हैं, और वो जब इसीलिए ऑफिसर्स के भी ट्रांसफर होते हैं कि वो लोग एक जगह ना रहे, तो उससे एक प्रॉफिट उनका, उनको प्रॉफिट। कुछ लोग उसी जगह टिके कैसे रह जाते हैं सर? ट्रांसफर में टीचर्स की ऐसी है कि वो खुद से नहीं डालते हैं, जब तक वो खुद से नहीं डालेंगे जल्दी तो उनका ट्रांसफर नहीं होगा, इसलिए टीचर्स जल्दी ट्रांसफर नहीं होते। गवर्नमेंट ऑफिसर्स का ये कि उनका ट्रांसफर तो होना ही होना है, 3 साल 4 साल जो भी एक जियो है उनके साथ उनका ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन टीचर्स हमारे बहुत सही है, कई बार क्या होता है कि एक एज गैप होता है, जैसे ज्यादातर वरिष्ठ टीचर होते हैं 55 साल हैं, कुछ रिटायरमेंट के एज हैं, और हमारे उम्र उनके बच्चों जैसी होती है, तो एक बच्चे आपके बराबर होंगे लिटरली। कई बार क्या होता है कि मैं सिटी में बता रहा हूँ, कई बार जो मेरी मैडम से मुझे बेटा बोल देती हैं, फिर कहते हैं सर सॉरी सर क्या करें, आपको देख के बेटे जैसी फीलिंग आती है। लेकिन ऐसे में हम लोग अपने भावनाओं में नहीं बहते हैं, और जो काम होता है फिर उनको कई बार लेटर भी देते हैं जिससे उनको बुरा भी लगता है, लेकिन बाद में कहती हैं आपको तो काम है और हमारा भी यही काम है, तो उनको मैनेज करना पड़ेगा, हमें भी मैनेज करना पड़ेगा। तो एज गैप तो रहता ही, जैसे आपके माँ बाप के साथ कई बार नहीं हो पाती क्योंकि एज डिफरेंस होता है, सेम एज डिफरेंस वर्क फोर्स में भी होता है कि मैं मेरी जो कैपेसिटी है वर्क करने की और उनकी जो कैपेसिटी है वो मैच नहीं करती है, तो वो टसल होता है, तो टसल सब जगह रहेगा, कभी भी दो लोगों की व्यक्ति की सोच कभी एक समान हो ही नहीं सकती है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि सरकारी जॉब एकदम ही बिल्कुल हलवा है कि एक बार मिल गई तो बस आप बैठे हो अब सब आ रहे हैं, बिल्कुल पैर दाब रहे हैं, डेली पैसे दे के जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अरे बल्कि डेली काम करना पड़ेगा,
कई लोगों से जो आपके सबॉर्डिनेट्स हो सकते हैं, जिनके ऊपर आपको ऑडिट करना होता है, उनसे भी बहुत जगह जो है रेजिस्टेंस भी मिलेगा, बहुत तगड़ा तगड़ा रेजिस्टेंस जो आपका स्टाफ होता है सर, उनसे आपको बहुत बार रेजिस्टेंस मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब जो हाई अथॉरिटी होंगे आपसे जवाब पूछेंगे और आपको मैनेज करना है अपने सबॉर्डिनेट से, अरे यार मेरा ये काम क्यों नहीं हुआ अभी तक, लेकिन आप उनको वो नहीं कर सकते, उनको अड़ जाओ, अगर आप वो करें तो हाँ सर वो काम ही नहीं करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, जैसे यूपीपीएससी में जो लोग सिलेक्टेड होते हैं, जो मेन अपर पीसीएस की पोस्ट है, उनमें बकायदा सब डिपार्टमेंट्स की ट्रेनिंग होती है। बीओ की ट्रेनिंग कब तक हुई थी? बीओ की ट्रेनिंग जैसे मैं सिलेक्शन हुआ था तो एक ऑनलाइन थोड़ा एक हफ्ते की ट्रेनिंग हुई थी। अच्छा। कई बार कहता है कि जैसे बीओ का जैसे यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाता है पीसीएस में, तो संबंधित डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है उस कैटेगरी की ट्रेनिंग करवानी, जैसे नायब तहसीलदार हो गया या बीओ हो गया या अन्य। तो मैं भी, हमारा डिपार्टमेंट थोड़ा सा लेट रहा तो ट्रेनिंग नहीं ऑनलाइन, 6-7 दिन की ट्रेनिंग हुई थी। हाँ ऑनलाइन ट्रेनिंग हुई, ऑफलाइन तो आप लोग एकदम फ्रेशर बीओ में आए, 6-7 दिन ऑन फील्ड आ गए, ऑन फील्ड आओ और फिर वर्क करते हुए आप सीखो। मतलब सरकार को इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए कि जो भी पीसीएस के अधिकारी हैं, उनको जो भी पोस्ट एलोकेट हो गई है, उनकी एक बाकायदा प्रॉपर ट्रेनिंग हो, क्योंकि उनको कई सारे जो है रूल्स फॉलो कराने होते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स को फॉलो कराना होता है। फिर अगर वो एक पूरी तरह से सब कुछ पहले ट्रेंड होके आएंगे, एक मेंटल तो वो भी अच्छी तरीके से मतलब वहां पे गवर्न कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। अब ऐसे अगर मान लीजिए आधी अधूरी जानकारी देके छोड़ दिया जाए, तो कई सारी चीजें तो आपको अपने जब सबॉर्डिनेट से ही सीखनी पड़ रही है, तो आप उन पर रूल कैसे करोगे? कई बार क्या होता है, जो हमारे मतलब वेल एजुकेटेड टीचर्स कई बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं, पीएचडीज हैं और बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो हैं जरूर परिस्थिति में पढ़ा रहे हैं, तो कई चीजें मुझे उनसे भी पूछनी पड़ती है, लेकिन हमें लगता है कि पूछने में हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। लेकिन नॉलेज देखिए किसी से लेने में कोई शर्म नहीं, लेकिन जीवन में लर्निंग तो हमेशा हमेशा हमेशा, लेकिन फिर भी एक जो एक सिस्टम है जैसे उसका पालन। अब जो मान लीजिए जैसे गवर्नमेंट ने, सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम बना दी, ये अधिकारी लोग हैं वो इसको इंप्लीमेंट कराएंगे, लेकिन सर उनको ट्रेन तो करो अच्छे से। ये एक पॉइंट था जो जरूर जाना चाहिए सरकार तक, अगर कोई देख रहा हो तो प्लीज जरूर ध्यान दीजिएगा आगे की जो पीसीएस की वैकेंसी हो। खैर सरकारी नौकरी और किसी पद के लिए लगातार अग्रसर रहने वाले लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपका तो हो गया पहली बार में, ठीक है, आपसे पहले मतलब मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जो बीओ में मतलब काफी सारे फ्रेश एकदम फेसेस ले लिए गए हैं, है ना जी। पीसीएस में मतलब क्या ऐसा हो रहा है कि क्या एजेड वाले लोगों को ले नहीं रहे? आपके बैच में दिखे थे लोग कि नहीं? हाँ हाँ कुछ लोग बहुत एजेड भी हैं सर। अच्छा मतलब ऐसा नहीं है कि भाई 36-37 हो गए तो नहीं हो गए, अगर मेहनत करोगे तो जरूर होगा। जैसे मेरे साथ में ही हमारी बैच के हैं, वो एक्स आर्मी मैन है, इसके अलावा वो एक्स बैंक मैनेजर भी है। अच्छा उसके बाद वो 43 की एज में इस जॉब में आए हैं, तो मतलब एकदम लास्ट लगातार उन्होंने प्रयासरत रहा है, उनका अपने कैटेगरी का तो कट ऑफ निकाला होगा ना, एकदम सर। तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, जो भी है आपका, जो भी आपको बेनिफिट मिलता है कोई बात नहीं, आप कभी अपने हथियार मत डालें और हमेशा मतलब ये सोचे कि मैं इससे बेस्ट कर सकता हूं, इससे आगे भी जा सकता हूं। अच्छा आप ये बताइए, तैयारी के टाइम आपने कुछ ऐसे लोगों को क्या ऑब्जर्व किया, देखा कि जो लोग 5-5, 10-10 साल से लगे हैं लेकिन हो नहीं रहा है, तो ऐसे लोग क्या फ्रस्ट्रेट होते हैं? फ्रस्ट्रेट सर बहुत होते हैं, मैं खुद बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ था। एक समय मेरे पास ये आया था कि मैं सोचा था मैं अपनी पढ़ाई गलत फील्ड में तो नहीं चला गया हूँ, मैं एसएससी की तैयारी कर लेता हूँ, मैं मतलब नॉर्मल टीचर बन जाता हूँ, ज्यादा प्रिपरेशन नहीं लगती है। लेकिन कई बार ऐसे लोगों से आप इंस्पायर नहीं हुए कभी कि यार ये मतलब फ्रस्ट्रेशन नहीं हुई कि यार ये 10 साल में नहीं हो पा रहा, मेरा कैसे हो जाएगा? हुआ तभी तो सर मैं मतलब मैंने सोचा मैं छोड़ दूं, लेकिन कई बार आपके साथ ऐसे, आपके हमेशा अपनी सराउंडिंग आप बेस्ट रखिए, ऐसे लोगों को आप अपने पास मत रखिए जो आपको सिर्फ डिमोटिवेट करें। आपकी अगर सराउंडिंग अच्छी है तो आप डिमोटिवेट होंगे तो आपको मोटिवेट वो करेंगे, और वैसा मोटिवेशन आपको हमेशा सपोर्ट करेगा। तो क्या आपकी तैयारी के दौरान भी कोई दोस्त यार या फिर माँ बाप कोई ऐसे थे जिनको अपना कम से कम जो आप जिस जगह पे है यहाँ तक के लिए, देखिए कोचिंग मतलब हम लोगों ने तो चलिए मटेरियल देके गाइडेंस देके आपको सिलेक्ट करा सकते हैं आप, लेकिन पढ़ना आप ही को पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा जीवन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। कभी आप फ्रस्ट्रेट है मतलब मटेरियल चाहे जितना आपके पास हो, अगर आप पढ़ ही नहीं पा रहे तो कैसे, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो कैसे होगा? हाँ तो कई बार क्या होता है सर, जैसे फादर मेरे हो, सबके पिताजी ऐसे ही होते हैं, कहते अरे यार बेटा कब से तैयारी कर रहे हो, क्या होगा, कब तक तुम्हारा सिलेक्शन होगा? फिर वहां मदर आती है हमारी, कि मदर कहती है अरे कोई बात नहीं, 1 साल और 2 साल और, तो आपकी जैसे वहां पे आके आपके स्टैंड आपकी मदर ने लिया। फ्रेंड्स होते हैं तो कई बार ऐसे आपके दोस्त होते हैं, जब आप एक डाउनफॉल में होते तो आपका सपोर्ट करते हैं, मेंटली सबसे ज्यादा जरूरत है मेंटली सपोर्ट, अगर आपको मेंटली सपोर्ट मिल रहा है तो आपकी ताकत और बढ़ जाती है। ऐसे कुछ दोस्त हैं उनका किसी का नाम लेना चाहेंगे जिन्होंने सही बात आपको कुछ सपोर्ट किया जीवन में कि हाँ भाई ये हमारे दोस्त हैं? जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, जैसे राहुल हो गए, प्रतीक हो गए, किरण पटेल हो गई, ये सब एक और क्या कहते हैं ऐसे सब अच्छे अच्छी पोस्ट में लोग भी पहुंच गए, कुछ बैंक मैनेजर्स हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं और कुछ मतलब अच्छे लोग हैं, वो भी एकदम लोग भी खुद सेटल हुए, और आप लोगों भी आपको भी कभी कुछ जरूरत हुई तो फ्रस्ट्रेशन से निकाला, इंस्पिरेशन के लिए आप उनको उनको भी देख सकते हो। और क्या कहते हैं कई बार क्या होता है कि उनके आगे बढ़ने से आप मोटिवेट होते हैं कि मैं क्यों नहीं इनके बराबर पहुंचूं। हाँ
क्योंकि देखिए तैयारी यूपीएससी या पीसीएस ये भी है, क्योंकि जीवन का सत्य है कि जैसी आप संगति करोगे आप एक्चुअली में वैसे ही हो जाते हो। ये बात आप मानते हैं? ये तो है सर, क्योंकि सबको बिगड़ता है, एक टीनेज आती सब बिगड़ते हैं, लेकिन आगे वही बढ़ता है जो एक सही टाइम पे ये सोच ले कि मुझे आगे क्या अप्रोच करना है, क्योंकि काफी चीजें लाइफ में सब कुछ एक एक चीजों से बड़ा इस समय लोग फ्रस्ट्रेटेड है कि बीओ की वैकेंसी नहीं आ रही। क्या लगता है आप लोग को, इन लोग को तैयारी छोड़ देनी चाहिए? नहीं ऐसा नहीं है, जैसे मैं अगर गलत नहीं हूं तो मेरी खुद इस खंड शिक्षा अधिकारी पोस्ट में प्रदेश में कम से कम 100 सीटें खाली हैं, और ऐसा तो है नहीं गवर्नमेंट उन सीटों को नहीं भरेगी, भरेगी जरूर, थोड़ा बहुत लेट हो रहा है, थोड़ा लेट सही, लेकिन आएगी जरूर, आएगी जरूर, ये फैक्ट ठीक है। ये बीओ अधिकारी खुद बोल रहे हैं, 2 साल एक्सपीरियंस वाले। खैर नेक्स्ट, आपके जो एक व्यक्तिगत पर्सनालिटी है और जॉब प्रोफाइल, ये कितना मैच करता है जॉब में? मजा आता है एक्चुअली कि लगता है कि अरे यार बस सरकारी या सिक्योरिटी करते रहो? मजा सर, सही सही बताना एकदम मजा और सजा सर दोनों है। कई बार क्या होता है कि कुछ टाइम ऐसा निकलता है कि आपको घर में सिर्फ खाने का समय मिलेगा और सोने का समय मिलेगा, सरकारी जॉब में भी, सरकारी जॉब में, और उसके बाद सीधे आपको फिर क्या कहते हैं कि अगले दिन ऐसा होगा कि आप एकदम रिलैक्स हो। अच्छा। अरे वाह क्या बात है, तो प्रेशर है, मतलब कभी आ गया कभी नहीं आया। कभी इतना होगा कि आप घर वालों को समय नहीं दे पाएंगे, जैसे कई कई महीनों हो जाते हैं मैं घर वालों को नहीं मिल पाता हूँ ना मैं घर जा पाता हूँ। अच्छा। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बहुत रिलैक्स हूँ, अपना दूसरे काम भी मैं कर लेता हूँ। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के विन विन सिचुएशन, बैलेंस टाइप का चल रहा है जीवन। विन विन सिचुएशन है कि आपको देखिए आपको एक जॉब तो आपको मिली, जॉब की बेसिक नीड है, फिर काम आना जाना तो लगा ही रहेगा। और वैसे भी जीवन में अगर काम भी नहीं करोगे तो क्या ठिलुआ बन के बैठोगे? मतलब क्या अगर आदमी काम भी ना करे सुबह तो फिर तो करेंगे क्या? अरे सर बहुत खाना भी नहीं पहुंचेगा यार फिर तो। मान लीजिए जैसे 2 साल पहले मेरी जो एक पर्सनालिटी रही और जो आज जो पर्सनालिटी, जो लोग मुझे आज अप्रोच करते हैं जिनसे मैं उठता बैठता हूँ, क्या आप 2 साल पहले मुझसे मिलते? नहीं मिलते। आपकी जॉब, आपका परसोना ही आपकी पर्सनालिटी डिफाइन करता है, ऐसे लोग आपके पास आगे बैठना चाहेंगे। अगर आपके पास जॉब नहीं होगी, आपके पास कुछ नहीं होगा, तो ऐसे लोग आपके संबंध क्यों रखेंगे? अब आज जैसे आप एक अच्छे खासे अधिकारी है, आपके संबंध जो कानपुर में डीएम है और सारे लोगों से होंगे, तो ये वाली भी तो एक बात है ना कि रिलेटिव सर बहुत आपको भाव देंगे। हाँ वो तो है रिलेटिव, बल्कि ऐसे लोग भी भाव देने लगे होंगे अब तो, जो पहले आपको क्या पता कभी जानते भी ना हो, फिर कहेंगे आगे कि यार हम तुम्हारे बचपन की फ्रेंड है, याद नहीं है तुम्हें? अरे सर ऐसा भी होता था कई बार, क्या कहते हैं कि जैसे कुछ लोग ये कहते थे कि यार कितने साल से तैयारी हो रही है, बहुत टाइम हो गया है, और जब सिलेक्शन हो जाता है तो ये कहते हैं अरे अभी तो गया था, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। चलो अच्छा, ये सैलरी वैली क्या रही थी आपकी एक्चुअली, जो गवर्नमेंट वाली मिलती थी शुरू में, और अभी शायद बड़ा उड़ गई है, जी, ये बढ़ गया, अभी बढ़ गई है, बताना चाहे तो बता सकते हैं। स्टार्टिंग में मोटिवेशन के लिए स्टार्टिंग में लगभग 55 प्लस थी, और अब आप ये कह सकते हैं कि मेरी 70 प्लस है। अच्छा, तो मतलब डीए ये बढ़ गया है, डीए बढ़ गया, और ये मात्र 1.5 से 2 साल के अंदर हुआ, तो एक गवर्नमेंट में सैलरी आपकी बढ़ती रहेगी। गाड़ी दी है सरकार ने? हाँ गाड़ी है, उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है एकदम सर। अच्छा, उसमें ड्राइवर भी दिया है, पर्दे लगे हुए हैं, बुलेरो है, कभी भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत लगता है, मतलब उत्तर प्रदेश में कहीं जाओगे आपका गाड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हो, मुझे तो ये फीलिंग देख के मजा आती है कि यार कितना अच्छा फील कर रहा होगा इसके अंदर बैठा आदमी। अरे सर कई बार जो भी मतलब बैठा आदमी औरत, एक वाक्य बताऊं सर आपको, मैं एक एग्जाम हो रहा था शायद टीजीडी या पीजीडी का एग्जाम था, तो मैं वहां गया, वहां पे मैं सेक्टर मजिस्ट्रेट के तौर पे था, तो जो स्कूल के कोई वो रहे होंगे प्रिंसिपल या मैनेजर टाइप के, उनको लगा मैं भी वहां एग्जाम देने आया हूँ। अच्छा, तो वहां पे कुछ मुझे पहचानते थे। तो आपकी वैसे एज कितनी? 25 की एज में मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो उनको लगा मैं एग्जाम देने आया, उन्होंने मुझे बुलाया बेटा आओ यहाँ पे एग्जाम देने के लिए, तुम कहाँ घूम रहे हो? तो जो मुझको जानते थे उन्होंने बोला ये ऑफिसर है, तो कई बार ऐसा सामना होता है, कम एज में हो गया ना। खैर इससे ये है कि आपको मतलब करियर में ग्रोथ भी काफी ज्यादा मिलता जाएगा, प्रमोशन मिलता जाएगा, और बल्कि आपके पास अपॉर्चुनिटी की और भी कहीं जा सकते हैं तैयारी करके। है आगे का प्लान कुछ? आगे का प्लान है कि मैं पूरी तरह से प्रयासरत हूँ कि आने वाले टाइम पे पीसीएस की एक और अपर पोस्ट या एसडीएम एग्जैक्टली सर, या यूपीएससी क्वालिफाइड हो सके तो यूपीएससी, क्योंकि अभी तो आपके पास उसके भी अटेम्प्ट होंगे। एकदम बहुत अटेम्प्ट है सर, और मुझे लगता है कि अगर आप सेटिस्फाइड खुद से नहीं हो तो आपको रुकना नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी। अच्छा एक बात बताओ, ये आपने यहाँ पे बोल दिया कि मुझे यूपीएससी के लिए भी जाना है, अगर कहीं आपके बीएसएन या फिर कोई जो अपर लेवल वाले ऑफिसर देख लिया फिर बाद में उनका क्यों, तो मतलब अभी भी तैयारी कर रहे हो तब? तो देखिए ऑफिसर जो अगर आपसे हायर है सर, हो सकता है कि वो लोग कुछ लोग ना चाहें, लेकिन कुछ लोग इतने अच्छे को चाहते हैं कि बेटा और आगे बढ़े। अच्छा, आपको हर तरह के लोग गवर्नमेंट में भी अच्छे बुरे अच्छे हर तरह के लोग हैं, लोग हैं। आपको अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो तो आपको एनओसी लेनी ही पड़ेगी, बिना एनओसी लिए आप एग्जाम, सरकार भी तो ये मतलब एनओसी इसीलिए तो कॉन्सेप्ट भी तो इसीलिए है ना कि भाई आप अगर इस पोस्ट से ऊपर वाली पोस्ट की जाना चाहते हो तो जाओ, नीचे वाली की नहीं करने देंगे। नहीं नहीं, तब भी आप अगर चाहते हो तो आप जाइए, टीचर बन जाइए।
अच्छा हाँ, आप मतलब नहीं करनी, आपको लग रहा है कि मेरे लिए ज्यादा पोस्ट ठीक नहीं है और मैं इतना प्रेशर नहीं ले पाऊंगा, तो आप इस जॉब से रिजाइन करके आप दूसरी जॉब में चले जाइए सर। अच्छा, गवर्नमेंट का मतलब खुला हुआ है, खुला है, मतलब आपको करना आप करिए, नहीं करना, लेकिन जब तक गवर्नमेंट रहोगे तब तक आपके हिसाब से आदेश का पालन करना है। पूरी आपकी तैयारी में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किस पार्ट ने क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया और आप मतलब क्या पसंद करते हैं आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज? सबसे ज्यादा मैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में ये पसंद करता हूँ कि मुझे मतलब 100 किताबें नहीं देखनी पड़ती हैं कि यार मैं करंट अफेयर के लिए ये भी एक करंट अफेयर इस कंपनी की भी ले आऊं, इस कंपनी की, इस कोचिंग की भी ले आऊं। जब मुझे सिर्फ करंट अफेयर की तैयारी करनी रहती थी तो मैं एक वीडियो खोलता था, हाँ थोड़ी बड़ी होती थी, 1.5 घंटे 2 घंटे तक की भी होती थी, लेकिन पूरा महीना कवर करता है, लेकिन पूरा महीना कवर होता था सर। मतलब उसके बाहर आएगा भी नहीं, ये भी है। जब नॉर्मली कोई वीडियो देख रहा सर 1 घंटे मोबाइल में निकाल देता है, तो आप हेडफोन लगाइए, अपने दैनिक रूटीन के काम करिए। जैसे कॉलेज लाइफ में जब मैं तैयारी कर रहा था मतलब कोचिंग की, तो मैं जैसे खाना बनाता था खुद से, वो मुझे अच्छा भी लगता था, तो मैं खाना बनाते बनाते सर की वीडियो ऑन कर लेता था, खाना भी बना रहा हूँ, मेरा करंट अफेयर भी तैयार हो रहा है। अच्छा, तो प्री की तैयारी तो मैंने लगभग पूरी तरीके से सर के फ्री कोर्सेज से ही कर ली थी। फ्री कोर्सेज से भी सिलेक्शन होता है, ध्यान रखिएगा इसीलिए। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि जब मेरे प्री में क्वालिफाइड हो गया मैं, तो मैंने सोचा अब मुझे सीरियस होना पड़ेगा। कई बार नहीं, वीडियो देखते टाइम आप देख लेते थे कि चलो हुआ तो हुआ, नहीं तो अभी तो बहुत अगली तैयारी देखेंगे, लेकिन जब हो गया तो ये लगा नहीं, अगर मैंने थोड़ा और अपने आप को पुश किया तो हो सकता है ये मेरे ये फाइनल पोस्टिंग हो। तो फिर मैंने सर के पेड कोर्सेज के लिए फोन वगैरह किया, टेलीग्राम ज्वाइन किया सर ने, मैंने देखा वहां पे जो मेंस में आपको टास्क दिए जाते थे करते थे आप पूरे? हाँ सर, करता था मैं। आंसर राइटिंग हम डेली करवाते थे, आंसर राइटिंग सर डेली कराते थे, उसके अलावा सर आप जो हिंदी का देते थे सब, तो हिंदी मेरी कमजोर थी तो मैं कोशिश करता था कि जैसे कई लोग अप्रोच होता है सर कि वो लिख लिख के काम करते हैं, मेरा ये था कि मैं लिख के नहीं काम करूं, लेकिन मुझे वो चीजें आनी चाहिए। मैं अगर एग्जाम के डेट में भी वो चीज लिखूं तो मुझे वो चीज पती हो, मेरी मेंटलिटी में वो चीज स्टोर हो, मुझे सीधे वहां पे वो चीज लिखनी है। कई लोग क्या करते हैं कि पहले लिखते हैं तब उनको याद होता है, मैंने उसको पहले मेमोराइज कर लिया अच्छे से कि अगर आया तो मुझे फिर भी राइटिंग प्रैक्टिस, जो लेटर फॉर्मेट हुआ आपका ये सब आपके जरिए से ही मुझे मिला भी था, क्योंकि इस कोचिंग इस पोस्ट के लिए कोई लेटर फॉर्मेट या कुछ सिलेबस था नहीं, जो मतलब आपने एक अपनी उससे गेस किया था कि ये आ सकता है, लिटरली वो एक्चुअली हम गेस नहीं मारा, तो हम तो ऑफिशियल सिलेबस को फॉलो करते हैं, जो उन्होंने लिख के दिया वो हमने करा दिया। तो जो आपने सर वो किया, वो जो मैंने फॉर्मेट्स पढ़े उनसे सबके सब फंसे। तो बीओ मेंस में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अलावा कुछ पढ़ा कहीं से? मैंने उसके अलावा कहीं से नहीं पढ़ा, क्योंकि क्योंकि इसके अलावा लिटरली इस पोस्ट के लिए जल्दी ज्यादा कोई कोचिंग अच्छी थी भी नहीं, और मेरे ख्याल से एक चीज और है कि अन्य कोचिंग में आप भटक भी सकते थे, कई लोग इसको सिर्फ बिजनेस के तौर पे कोचिंग को लेते हैं और बिजनेस प्रमोट करते हैं कि हमारे पास हमारे में कई बार आपको फीडबैक थोड़ा रूट दे देते हैं हम लोग बड़ा, कि मतलब स्टूडेंट थोड़ा सा जैसे चाहे जितना अच्छा आंसर लिखे लेकिन उसमें कमियां ही बताई जाती है, तो उससे आप फ्रस्ट्रेट तो नहीं होते? नहीं सर, मैं बताऊं इसलिए हमेशा दवा कड़वी होती है, हमेशा। लेकिन जैसे कई स्टूडेंट नाराज हो जाते हैं कि अरे यार हर जाए जितना अच्छा लिख दो, ये लोग कभी बताते ही नहीं सर, अच्छा। अगर 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 10 में 10 नंबर मिलते तो टॉपर हमेशा 100 में 100 लिखकर आता है ना, क्यों सिर्फ आई मतलब मैं बता रहा हूँ बीओ के मेंस में मात्र 50% में लोगों ने टॉप मारा है सर, इससे ज्यादा नंबर चाहिए भी नहीं होते, माइनस मार्किंग होती है, सब कुछ होती है, आप कभी परफेक्ट आंसर लिख ही नहीं सकते हो, आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट लिख सकते हो, और हमेशा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश इंसान में भी होती है और आंसर में भी होती है, हमेशा आप इंप्रूव कर सकते हो, आप बेस्ट नहीं लिख सकते हो। तो चलो मतलब कुल मिला के आपने अच्छी तरह उसको फॉलो किया, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में कोई और इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं, कुछ हम लोग और सुधार करें? क्योंकि देखिए एक ये चीज है कि भाई जो पेड बुक में आप लोग को मिलता है उसी पे हम फ्री वीडियो भी देते हैं, आज भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इकलौता ऐसा यूट्यूब चैनल है, कई लोग हमसे ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हम भी यूनिकॉर्न बन जाए, फंडिंग हमें भी मिल जाए और हमारा भी हो जाए, हम लोग इसीलिए नहीं जाते क्योंकि फंडिंग आती जरूर है लेकिन वो अपने साथ कई सारे और भी चीजें लाती है कि भाई फिर वो टारगेट सिलेक्शन या पढ़ाने पे नहीं होता है जी। फिर उनको टारगेट अपना ब्रांड बनाने पे होता है, सिलेक्शन या बढ़ में। सर मैं तो यही कहूंगा कि कई बार कहता है आप जेन्यून है तो आप जेन्यून ही रहिए, फंडिंग से कई बार, लेकिन हम लोग ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाए, तो मतलब कोई इसके लिए सजेशन है हम लोग के लिए? सर स्लो एंड ग्रो, जो आपकी रेज हो रही वही बहुत बड़ी बात है, धीरे धीरे ही आदमी आगे बढ़ता है, सीधे सोचे कि नहीं मैं 4 सीढ़ी बाद ऊपर चढ़ जाऊंगा तो ऐसे लोग है तो गिर 2-4 बार चढ़ जाएंगे, उसके बाद वो फिसल के गिर भी सकते हैं। अच्छा, और मेरे लिए एक सुझाव स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के लिए जी बताइए सजेशन। तो बिल्कुल सजेशन ये है कि मेरे जैसे बहुत से ऐसे लोग होंगे जो क्वालिफिकेशन के बाद भी और हाई मतलब जाना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे कोर्सेस मतलब डिजाइन किए जाएं जो कम समय में भी हम लोग जैसे हम जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी वो चीज बेनिफिशियल हों। तो अभी तो हमने अच्छा आप एक्चुअली 2019 वाले बैच जी से आप चल रहा है 2023। हाँ। अभी जो भी मटेरियल हम किसी भी ग्रुप में देते हैं बहुत ज्यादा उसको शॉर्ट कर दिया गया है बीओ में। अब अगर आप देखें इस बार 2023 के लिए करीबन 1100-1200 पेजेस अगर दोनों तरफ प्रिंट कराओ तो सिर्फ 600 पेजेस।
में ही उतने में ही सिलेक्शन, कोशिश करिए 600 से 300 हो जाए। अरे यार वो वाली तो फिर वो इजी बात हो गई, जितना शॉर्ट हम कर सकते थे कर दिया। अगर आप देखिए, आपने कभी कोई सब्जेक्ट की अगर आप बुक लेने जाए तो हिस्ट्री की बुक ही आती है सिर्फ 1100-1200 पेजेस। हाँ एग्जैक्टली, और हम उतने में ही सिर्फ एग्जाम की वो इतना करा रहे हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़ना तो पड़ेगा ही। हाँ, पढ़ना उतना तो पढ़ना पड़ेगा कम से कम। मतलब अगर ये सोचे कि नहीं एक पतली सी किताब पढ़ ले और हम आईएएस बन जाए तो ये नहीं, फिर पीसीएस या तो फिर आप इतने बड़े एम ना करो, ये भी तो बात है। तो अगर इतनी बड़ी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा। खैर, थोड़ा और आगे के बारे में, ऑनलाइन एजुकेशन के भविष्य को कैसे देखते हैं? सोशल मीडिया जैसे आप कह रहे थे दूर थे, तो फिर यूट्यूब वूट्यूब में तो फिर भी देखा करते हैं। सोशल मीडिया इन द सेंस की जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। हाँ, आप इसका मतलब यूज कर सकते हो, पॉजिटिव यूज। जैसे क्या कहते हैं कि लोग फोटोज देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, हमें लगता है कि हम एक रील देखेंगे उसके बाद स्किप करके एजुकेशन पढ़ाई देखेंगे, लेकिन नहीं, वो बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव होता है। अरे रील्स इतनी एडिक्टिव होती है, लोग पूरा पूरा दिन बिता देते हैं। मतलब लिटरली होता है, हमें लगता है हम एक देखेंगे, लेकिन वो कब हमारे एक वीडियो 5 मिनट की वीडियो आधे घंटे 1 घंटे में कन्वर्ट होगी वो पता नहीं चलता है। इसलिए ज्यादातर आप स्किप कर दो। एक बार आपने अच्छी पोजीशन एक्वायर कर ली, आप एक बार आईएएस पीसीएस बन गए, उसके बाद आप रील देखिए या कुछ देखिए, उसके बाद आप पे रील बनेंगी, आप पे रील बनेंगी, बनती है। वो वाली चीजें ज्यादा बढ़िया है कि देखो ये पीसीएस की लाइफ स्टाइल, इनका स्वैग, कितनी इनकी गाड़ियां, इनकी पावर, ये वाली चीजें बनती है। वो आप देखते हुए घंटे, तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप रील देखना चाहते हो कि आप रील बने ऐसा बनना चाहते हो। एकदम सर, तो ये वाली चीज है, ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन एजुकेशन के भी कुछ चीजें बेनिफिट्स भी हो सकती हैं, कुछ घाटे भी हो सकते हैं। ये आपको तय करना है कहाँ पे आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से इन्वेस्ट करना है। हाँ भैया देखो, ऑनलाइन किसी की पूजा मत करो, अपने करियर पे कंसंट्रेट करो, सिलेक्शन हो जाए बस, उसके बाद जो करना हो जैसे करना हो अपने हिसाब से करो। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे, लेकिन आपको देखना कि जो 10 लोग बोलेंगे 2 लोगों की बातें मतलब। आजकल देखिए बीओ में जब हम लोगों ने 2019 में चालू किया था तब तो कोई नहीं था, नहीं। अब आजकल सब हमारे कंटेंट को कॉपी कर करके इतने प्लेयर आ गए हैं कि बीओ में भी अगर आप डाल दो तो कम से कम 10-15 हजार चैनल हो। 2-3 साल पहले जब बीओ की पोस्ट आई थी सर, कहीं कोई कोचिंग नहीं थी, कहीं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं था, कुछ नहीं था। आज तो पेपर में भी निकल आता है बीओ के पोस्ट के लिए पढ़ाई होती है, यहाँ पे ये होता है। अब वही ये बात ना, आजकल सब यूनिकॉर्न का जमाना चल रहा है भाई, स्टार्टअप का जमाना है। 10 रुपए के समोसे को थोड़ा लपेट के बढ़िया पैक करके 150 में बेच देते हैं, कहते हैं कि भाई स्टार्टअप है हमारा। खैर चलो, आपने सुझाव भी दे दिया, आप बाकी वाली बात भी, कुछ पर्सनल क्वेश्चन जरूर पूछना चाहेंगे आपसे। शादी हो गई? नहीं अभी नहीं। गर्लफ्रेंड है? इस क्वेश्चन का अगर आप चाहे तो, क्योंकि मम्मी पापा भी देख रहे होंगे, चाहे तो आंसर स्किप कर सकते हैं। स्किप कर दीजिए, आंसर स्किप कर सकते हैं। चलो, और जो है बाकी हमारे कई सारे स्टूडेंट जैसे देख रहे हैं, बीयू की तैयारी कर रहे हैं, कोई अगर आप लोगों में से कोई भी किसी का कुछ भी सवाल है जो आप इनसे डायरेक्टली पूछना चाहते हैं, खर्च शिक्षा अधिकारी सौरभ आनंद जी से, तो आप यहाँ पे वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप प्लीज उनको रिप्लाई जरूर जरूर दे दूंगा। प्लस और कुछ मतलब कुछ और टिप देना चाहते हैं, क्योंकि एक्चुअली में अभी देखिए यूपीपीएससी आयोग ने बढ़िया एक कॉस्मेटिक चेंजेस कर रहा है, वेबसाइट बढ़िया बना दी, पीवाईक्यू डाल देंगे, टॉपर्स लिस्ट डाल देंगे, सब बढ़िया हो रहा है। लेकिन जो अभी कैलेंडर आया, अब उसमें 25 पोस्ट को आरक्षित कर दिया, 8 में सिर्फ जगह दी है तो, कि भाई ये एग्जाम है। और अगर आप उसमें देखें तो जो आयोग से एक्चुअली जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग बड़े दुखी है जी, कि भाई वैकेंसी निकाल देते हैं, ये साइट राइट तो चलो बाद में कर देते हैं। क्या देखिए सर, क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कैलेंडर निकला है, सिर्फ 8 पोस्ट है जिनकी वो डेट दी हुई है, बाकी नहीं निकली है, तो हो सकता है कि इस कैलेंडर को मैं डिले कर सकता था, डिले कर देना चाहिए था, और तो बाद में पूरा अपडेट करके उनको दे देना चाहिए कि लीजिए आपका ये पूरा टाइम टेबल, इसके हिसाब से तैयारी करिए। नहीं तो इस टाइम स्टूडेंट फ्रस्ट्रेटेड है, क्या करे वो, देखिए क्या पढ़ाई छोड़ दे, यूपीपीएससी को कहते बाय बाय नहीं करेंगे। नहीं नहीं, फ्रस्ट्रेट होना हिस्सा है इस तैयारी का। आप फ्रस्ट्रेट जरूर हो गए, आप डिमोटिवेट जरूर हो गए। आपको मोटिवेशन एक इंटरनली होता है, एक एक्सटर्नली होता है। जब आप इंटरनली मोटिवेट ना हो पाओ, जैसे कि अपने फैमिली बैकग्राउंड की वजह से या घर की वजह से या खुद एक आपके अंदर आग हो, तब आप फिर एक्सटर्नल मोटिवेशन का सहारा लीजिए। कई बार जैसे सर के कुछ लेक्चर्स ऐसे होते जो बातें दिमाग में चुभ जाती हैं कि सर हमको ये बोले, अरे यार आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, या कुछ बड़े हम लोग तो जानबूझ के कुछ चीजें ऐसी बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ जो पेड क्विज में भी है ना, मैं एकदम साफ बोल रहा हूँ, कई लोग फ्रस्ट्रेट रहते हैं कि हम आपके 40-50% ज्यादा सवाल ही नहीं सीख पाते। मैं कहता हूँ भाई कर भी नहीं पाओगे चाहे इतने बड़े। देखिए अगर सर अगर लपेट के बातें कर देंगे, अरे बेटा क्या बात है तूने बहुत अच्छा किया, तो बस आदमी वहां से इंप्रूवमेंट की गुंजाइश खत्म कर देगा सर कि मेरा बेस्ट ऑफ द बेस्ट आंसर, इससे ज्यादा मुझे आगे नहीं बढ़ना है। लेकिन आप उसमें कमियां अगर गिनाओगे तो कहेंगे यार मुझसे और अच्छा करने की कोशिश करूं, तो आप डिमोटिवेट होइए, फ्रस्ट्रेट होइए, सब कुछ होइए, लेकिन अपनी पढ़ाई, अपने आप को आगे बढ़ने का एक्सेल मत छोड़िए। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए, और आज नहीं तो कल, 1 साल बाद 2 साल बाद 3 साल बाद लेकिन आपको जरूर जॉब मिलेगी इसमें। आप और नोटिफिकेशन क्या है, मतलब देखिए आरक्षित डेट को लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअली में उसमें पेज ये है
कि वैकेंसियों की अध्याचल है, इसका मतलब वहां पे मतलब जरूर आएगी, एग्जाम तो जरूर होगा। तो आप ये मत देखिए कि एग्जाम, मैं कह रहा हूँ अगले साल भी, तो आप अगले साल की तैयारी तो करके चलिए। हाँ। आप उस डेट के लिए तैयारी रखिए। हाँ। बस वहां पे जब जो एग्जाम होना होगा आप उस हिसाब से अपना एग्जाम के लिए। जब आप पढ़ाई करते थे कितने घंटे पढ़ते थे डेली? देखिए मैं मतलब कई बार कहता हूँ, जैसे छोटा था तो फादर मेरे कहा करते थे, अरे यार इलाहाबाद में लोग 10-10, 12-12, 20-20 घंटे पढ़ते हैं। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है, और जो करता है वो एक या दो दिन कर सकता है, उसके बाद वो हफ्ते भर लेट के सोएगा। आप साल भर क्या कहते हैं, कुछ लोग एक्चुअली पढ़ते भी हैं लेकिन वो शायद या तो उनका मन भटकता रहता होगा पढ़ाई में, बस इसे लगे हैं क्वालिटी सोच और रहे हैं, पढ़ किताब खुली है सामने। हमें हमेशा क्वालिटी स्टडी करनी चाहिए। आप पर डे मत पढ़िए, हो सकता है कई बार कई लोग कहते हैं पर डे पढ़िए लेकिन मत पढ़िए, कभी कभी हमें रिलैक्स भी करना पड़ता है। आपने पूरे हफ्ते आपने पढ़ाया कि आप संडे अपने आपको दे दीजिए, ठीक है, उस दिन आप रिचार्ज होकर फिर मंडे से आप अच्छी तैयारी करिए। लेकिन हाँ, आप साल भर अच्छे से पढ़िए, पर डे पढ़िए, भले आप 4 घंटे पढ़िए लेकिन उस 4 घंटे में आप अच्छे से समय दीजिए। आप सोचे नहीं मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, बस आप 8 घंटे नहीं पढ़ोगे, मुझे पता है आप लोग नहीं पढ़ पाते हैं सर 8 घंटे पर डे डेली नहीं पढ़ पाते हैं। मैं खुद नहीं पढ़ पाता था, मैं खुद बता रहा हूँ, मैं 4 से 5 घंटे अपने आपको देता था लेकिन पर डे 5 घंटे जरूर देता था। तो कोई उसके अलावा पढ़ाने के साथ कोई हॉबी हॉबी भी खेलने वाला? हॉबी थी जैसे मतलब बाहर निकल के बैडमिंटन कभी खेल लिया। मतलब आपको फ्रेश रहना है, आप कंटिन्यू 8 घंटे नहीं पढ़ सकते, 5 घंटे नहीं पढ़ सकता। आप सबकी कैपेसिटी एक अलग होती है सर, कोई 35 मिनट में उठ के घूमने लगता है, कंटिन्यू तो 8 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता, 1 घंटे में घूमने लगता है। तो आप कोशिश करिए आप पर डे ब्रेक पढ़िए, लेकिन आप पर डे पढ़िए साल, जैसे रस्सी आवाज जाते सिल पे पड़ते निशान। आप पर डे मेहनत करोगे आप सक्सेसफुल जरूर होगे। लेकिन आप सोचे मैं 1 महीने पढ़ूं फिर 1 महीने बाद में कुछ और करूं, नहीं, आपको लगे रहना पड़ेगा, परसेवरेंस की है सर, आपको लगे रहना पड़ेगा। चलो भैया लगे रहिए, हम आपके साथ हैं बिल्कुल, मेहनत हमारी टीम लगातार करती जा रही है। जो भी बीओ में हमारे पेड कोर्सेज चल रहे हैं उसकी पूरे सारे वीडियो मॉड्यूल वाइज फ्री मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज वाले भी मिलेंगे, पेड क्विज वाले भी दे रहे हैं। बाकी कोई और क्वेश्चन हो आप वीडियो में कमेंट करके जरूर जरूर सकते हैं। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद। चलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, थैंक यू। चलो अब अगले इंटरव्यू में मिलते हैं।